चलो ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ माइकल को मारने। अकेले जा रहे हो उसको मारने? पता भी है माइकल के पास कितने ज्यादा सिक्योरिटी अवेलेबल है। बट मैंने कभी कुत्तों की तरह मिलके किसी को नहीं मारा। जितनों को भी मारा खुद के दम पे मारा, इसको भी मार दूंगा। ओके, कोई बात नहीं, बस बैड न्यूज मत देगा। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग यहां पर, आप देख सकते हो यार, इतने सारे के सारे जो मेरे सिक्योरिटी के जो हेड है ना भाई, सारे के सारे यहां पर आ बैठे हैं भाई, क्योंकि उनको पेमेंट चाहिए यार। भाई साहब अभी आज ना सबको पेमेंट करनी होगी। अगर आपको लास्ट एपिसोड याद नहीं तो मैं आपको बता दूँ, लास्ट एपिसोड में भाई साहब हम लोग ने बहुत कुछ कांड किए भाई, नई सिक्योरिटी खरीदी एंड बहुत कुछ किया। वाई सिटी जाके जो अपना ड्रग का जो अपने को मिला है ना, वो बेचने के लिए मैं गया था। बट साला गाइस वहाँ पर ना वाई सिटी की पुलिस ने मेरे से रिश्वत भी ली और मेरे को, मतलब मेरा जो भी था ना भाई, ड्रग वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया यार। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, और फिर मेरे को वाई सिटी से भागना पड़ा, वरना मेरे पे केस वगैरह हो सकता था। सो यार चलो कोई बात नहीं। और गाइस आज ना हमारी न्यू सिक्योरिटी आने वाली है जो कि बहुत ख़तरनाक है, और न्यू सिक्योरिटी के साथ मेरे को एक पर्ल वर्ल्ड का एक पेट मिला है, मतलब कैटिलीवा भाई साहब इतना मस्त था ना, क्या ही बोलूँ। तो यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स। और यार तुम लोग वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो यार प्लीज़ कर देना लाइक और सब्सक्राइब। और गाइस फिर जल्द से जल्द वीडियो आते हो मतलब आएंगी। तो यार चलो फटाफट से ना, अभी इनको पेमेंट तो मैं करने वाला हूँ, बट अभी मुझे पैसा लाना है क्योंकि मेरा सारा का सारा कैश ना अपने बनकर में पड़ा है। क्योंकि आपको याद है यार, कल ना भाई इतने भागा दौड़ हुई ना भाई, क्या ही बताओ। तो इनको अभी मैं पैसा देने के लिए, और बहुत कुछ हमको इनको देना है, मतलब ये ना काम नहीं करने वाले, मतलब समझ रहे हो ना भाई, इनको पैसा नहीं दिया ना ये लोग काम नहीं करते गए, दोस्ती वगैरह कुछ नहीं भाई, मुझे लगा ये लोग फ्रेंड वगैरह होंगे। बट गाइस पेमेंट के टाइम आती है ना भाई, कौन दोस्त, और गाइस आप समझ ही सकते हो। सो गाइस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो चलो यार फटाफट से ना। और ये देख रहे हो सारे के सारे कारों के अंदर आए हुए हैं अभी हम लोग को। गाइस देख रहे हो भाई, कोई मेरे पीछे आने वाला ही नहीं, वरना हमेशा मैं निकलता हूँ ना बाहर भाई, मेरा कौन वे लेके चलता हूँ। बट गाइस पैसा का भाई, पैसों का चक्कर ना, सीधा मौत से टक्कर। सो कोई बात नहीं। सो यार चलो यार फटाफट से अपने को इनको पैसा देते हैं, और हमारी जो न्यू सिक्योरिटी आने वाली है उसका भी वेलकम हमको करना होगा। तो चलो यार, ऑल राइट गाइस, एंड यहाँ पर तो मैं आ तो चुका हूँ। और ये ट्रैफिक हवलदार, मतलब भाई ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है भाई? मेरे को रुका क्यों दिया, ये क्या सीन है यार? एक सेकंड भाई, हुआ क्या भाई, मेरे पे एम क्यों कर रहे हो यार? ये क्या सीन है भाई? अरे पुलिस ऑफिसर हुआ क्या? मैं माइकल हूँ भाई, प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ यार, मतलब मैं तो गाइस क्या सीन है पता नहीं भाई। कह रहे कि जल्दी से जल्द अपने गन नीचे रख दो। अरे भाई मैं प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ भाई, इतना बड़ा वाला फ्रेंड हूँ भाई, मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई है। गाइस ये तो मानने को तैयार नहीं है भाई। यार इनको मैं मारना तो एक सेकंड में मार दूंगा, बट यार फालतू का केस वगैरह हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी वाले पुलिस है गाइस, समझ रहे हो यार। भाई ये कह रहे कि तुमको जाना है तो जा सकते हो आगे, बट तुमको इधर गन वगैरह निकालनी होगी यार। भाई वापस दे देना बात में भाई, मैं अभी गन वगैरह छोड़ रहा हूँ गाइस, पता नहीं यार। चलो यार गाइस फाइनली मैंने इधर ना गन वगैरह निकाल दिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कह रहे कि यार तुम विदाउट गन के आगे जा ही नहीं सकते हो यार। भाई क्या यार, ये नया कुछ मेरे को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं यार,
एंड गाइस एक सेकंड भाई, ये क्या सीन था गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। ये पुलिस और ये तो आई थिंक ये मुझे पता नहीं कौन है भाई। मेरे को लग रहा है ना ये बंदा क्लाउड है और ये कह रहा है कि देख अब तू ना मेरे हाथ से बचने वाला तो है नहीं, और ये कह रहा है कि देख तूने मार्टिन को मार के बहुत बड़ी वाली गलती की भाई साहब। यार ये कह रहा है कि अब ना तू मेरे हाथों मरने वाला है, बट उससे पहले तू मेरे गाड़ी में बैठ जा वरना मैं तेरा यहाँ पे ना मुँह पे गोली मार के ना भाई तेरा काम बिगाड़ दूंगा। सो यार मुझे ना फटाफट से गाड़ी में बैठना चाहिए भाई, मेरे पास गन वगैरह तो कुछ भी नहीं है। यार एक सेकंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके और भाई इसकी भेज किया ये तो भाई होम लॉन्चर छोड़ रहे बिल्कुल ही। यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यहाँ पर भाई साहब, ये क्या ही सीन है भाई। यार मेरे पास अभी लॉन्चर वगैरह कुछ भी नहीं, आपने देखा मैंने सारा का सारा ना, और मेरे पास वैसे एक छोटी वाली पिस्तौल है जो कि ना कार के अंदर रखी हुई थी, बट यार अभी मैं पिस्तौल से इनको तो मार नहीं पाऊँगा ना, तो यार मेरे पास कोई अभी ऑप्शन भी नहीं है। और साला गाइस मुझे ना इधर से निकलना होगा भाई, कैसे भी करके इधर से निकलना होगा और वरना ये मेरी जान ले लेंगे। यार गाइस क्या ही सीन है यार आज ना भाई, हमारी सारी सिक्योरिटी का मतलब भाई वो भी ख़त्म हो चुका है, मेम्बरशिप जो भी होती है, और ऊपर से ना गाइस गन वगैरह भी नहीं। तो यार अब मेरे को भागने के से भाई कोई रास्ता नहीं, वरना ये मेरे को मिसाइल से ही मार देंगे। ये देखो भाई साहब क्या ही मिसाइल छोड़ रहे भाई। यार कोई बात नहीं गाइस, बच जाऊँगा वैसे गाइस। और ये जो क्लाउड का बच्चा है ना भाई, ये पता नहीं क्यों आया, कह रहा है कि मार्टिन का बदला लूँगा भाई। साला ये मेरे को मारना चाहता भाई मार देता, बट यार वो कह रहा था ना जिंदा पकड़ना है और तेरे को भाई हमारे बॉस के पास ले जाना है। पता नहीं इसका भी एक बॉस है, पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है, इसका बॉस कौन है यार, अभी क्या ही बोले गाइस। हमारे इतने सारे दुश्मन हो चुके ना, अभी मैं भगाते जा रहा हूँ, ये लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। यार कोई बात नहीं, मुझे मेरा दिमाग लगाना होगा और कुछ ना कुछ कैसे भी ना इनको भाई निकालना होगा, मतलब आउट करना होगा, मतलब इनको भाई डिस्ट्रॉय करना होगा। सो चलो यार अभी भी आ रहे हैं क्या पीछे भाई साहब, अभी भी आ रहे हैं। मैं थोड़ी सी गाड़ी धीरे भगा रहा हूँ क्योंकि ना अगर मेरा गलती से भी एक्सीडेंट होता है ना यहाँ पे, अगर मेरी गाड़ी रुक जाती है तो भाई समझ जाओ ये डायरेक्ट मिसाइल मेरे गाड़ी पर डाल देंगे, और इसलिए मैं गाड़ी ना भाई बराबर चला रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। एक सेकंड ये लोग कौन है भाई, एंड भाई ये बंदे भी आई थिंक मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं भाई साहब, लोड हो रहा है कसम से। यार कोई बात नहीं इनको तो पीछे कर ही दूंगा भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा ना भाई, ये पूरा रोड ऑफ रोड ही है समझ रहे हो। और अपनी कार जो है ना गाइस भाई लैम्बोर्गिनी भाई, एक सेकंड बच गया भाई कसम से, देखो इसलिए मैं रुक नहीं रहा था, एंड इसलिए ना भाई धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि इधर रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, और अपनी जो कार है ना भाई साहब कुछ भी हो सकता है। यार क्या ही सीन है यार भाई, सारे के सारे ना मेरे पीछे पड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, मुझे फटाफट से जैसे कैसे भी करके निकलना होगा, वरना भाई ये लोग ना मेरी कार कोई ब्लास्ट कर देंगे। कोई बात नहीं गाइस, मैं ना अभी स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, वरना मुझे देखो थोड़ी स्पीड अगर मैं कम कर दिया ना, एक सेकंड इसकी बहस किया ये भी आ गया भाई, इसको तो मैंने थोड़ा ठोक दिया था बट ये ना साला फिर से मेरे पीछे आ गया। कोई बात नहीं, देख रहा भाई क्या ही मिसाइल छोड़ रहा है, अगर इतनी सी मेरी स्पीड कम हो गई या भाई अगर कुछ रुक गया ना भाई साला डायरेक्ट एक सेकंड बच चुका हूँ भाई, क्या ही बच रहा हूँ कसम से गाइस, वरना डायरेक्ट कार के ऊपर गिरता ना भाई, इंजन पे गिरता ना कसम से बता रहा हूँ। मैंने गाइस थोड़ी ना ये फायर प्रूफ करके रखी थी कार को, बट इससे थोड़ा मुझको कार को ना फ़ायदा हो रहा है, बट कोई बात नहीं यार मुझे ऐसा मरना नहीं, साले को ना भाई यूँ मार दूंगा। बट साले के पास अभी दो हेलीकॉप्टर्स पड़े और मेरे पास एक छोटी पिस्तौल तो है भाई, छोटी पिस्तौल से मैं इसको मार तो सकता हूँ, बट यार अगर मैं उतरता हूँ ना थोड़ा सा भी यार इसको मारने के लिए, बट यार ये जो ऊपर वाले ना भाई मेरे मतलब टुकड़े करके रख देंगे समझ रहे हो, मतलब छिछड़े भी नहीं मिलने वाले भाई, टुकड़े के टुकड़े हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा मरूँ गाइस। तो कोई बात नहीं, इसको आने दो, साले को आने दो भाई, देख रहे हो क्या ही मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं भाई, कुछ देख ही नहीं रहे यार कसम से। कोई बात नहीं भाई आ जाओ भाई, अपना भी टाइम आएगा भाई, इनको इनकी औकात दिखा देंगे, इनको पता नहीं किससे पंगा ले लिया भाई तूने, इसको लग रहा है ये बंदा ना, ये देख रहे भाई क्या ही मैंने पीछे लिया रिवर्स की भाई साहब कसम से भाई, गंदा वाला बचाओ वरना ना भाई साहब ये मेरे भाई टुकड़े करने वाले थे। और ये देख रहे हो भाई साहब क्या ही बच रहा हो यार कसम से भाई साहब। कोई बात नहीं, ये देख रहे हो क्लाउड का बच्चा मतलब फुल मजे ले रहा है भाई मरते हुए, जरूर इसको भाई दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड यार ये क्या ही सीन है भाई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतने सारे मिसाइल्स आ रहे हैं ना, मुझे ऊपर भी देखना पड़ रहा है एंड भाई सब कुछ देख के ना भाई टर्न रिवर्स सब कुछ करना पड़ रहा है, और मेरी कार भी मेरे साथ दे रही है बढ़िया वाली, ये वाली कार मैं ला लिया हूँ भाई, बढ़िया वाली टर्न कर रही है। सो चलो यार इसको ना मैं ठोकने की ट्राई करता हूँ, एक सेकंड इसको मैं गिराने की ट्राई करता हूँ, ये ना मेरे बीच में आ रहा है
और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अपनी कार टर्न मार रही। देखो क्या ही बच रहा हो यार, इसको ठोकने की ट्राई करता हूँ साले को, फिर इसको नीचे गिराता हूँ, फिर ना साले के मतलब टायर के नीचे लाके इसको मौत करता हूँ। साला बाइक के ऊपर आया भाई, कार खरीदने की इसकी औकात नहीं। कोई बात नहीं, इसको नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ, फिर ना साले को भाई टायर के नीचे लाके इसको टुकड़े कर दूंगा। एक सेकंड गन नहीं तो क्या हुआ भाई, एक सेकंड भाई क्या ही बच रहा है भाई। भाई ये बंदा क्या फ्रैंकलिन से भाई मतलब सीख के आया क्या कैसे गाड़ी चलाना है। एक सेकंड और भाई स्किप है, इसकी आगे गिर नहीं रहा है। और ये देख रहे हो भाई मिसाइल पे मिसाइल जा रहा है। एक सेकंड ये बंदा ना, इसको भी पता है मेरे पास गन नहीं है। ये जो भी पुलिस वाले ऑफिसर थे ना भाई, इसने कपड़े पिला के और मेरे को मतलब उल्लू बनाने की कोशिश की, मतलब ट्रैप करने की कोशिश किया। बट कोई बात नहीं, मैं भी भाई कम नहीं हूँ भाई, साले को दिखाना पड़ेगा। ये बंदा समझ रहा है कि ये भाई खतरनाक है, GTA 3 में इसने बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लोग को मारा है, तो इसको लग रहा है GTA 5 में आके मुझे मार देगा भाई। कोई बात नहीं, इसको ना इसकी औकात दिखा देंगे। GTA 5 और GTA 3 में क्या डिफरेंस है तो इसको दिखा देंगे। एक सेकंड, मुझे ना यहाँ से पहले निकलना होगा भाई, कैसे भी करके ना इधर से निकलना होगा गाइस, क्योंकि ना भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये बंदा जितना मैंने सोचा था उतना ही ज़्यादा ही पावरफुल निकला, मतलब इसकी ड्राइविंग स्किल देखी भाई। मैं इसको ठोकने की ट्राई किया बट ये बंदा ना यार क्या ही बोलूँ गाइस। चलो एक सेकंड भाई बच गया, अब इसको ट्राई करता हूँ ठोकने की। भाई साला गिर ही नहीं रहा भाई, क्या ही भाई चिप हुए भाई ये। भाई कोई ना, इसको मार के रहूँगा भाई, इसको ना यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, वरना ये भाई मेरा पीछे छोड़ने वाला ही नहीं है। जैसे मार्टिन को मैंने वैसे ही बंदा ना वैसे ही करते रहेंगे। बट ये बंदा अकेला आया कैसे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी गैंग वगैरह सिक्योरिटी कहाँ पर है भाई, ये बंदा ना अकेला ही फाइट कर रहा है मेरे से। लग रहा है ये बंदा, इसको लग रहा है ना मैं ऐसे मामूली इंसान हूँ भाई। कोई बात नहीं, इसको पता नहीं मेरे पास क्या क्या सिक्योरिटी पड़ी है और भाई अपने कितनी बड़ी टीम है और कितने बड़े अपन माफिया यहाँ कर। कोई बात नहीं, आजा बेटा तेरे को। ओ भाई चाय बचा कसम से, चाय रिवर्स लिया भाई, थोड़ा सा आगे हो जाता ना भाई इंजन पे लग जाती और भाई थोड़ा सा मुझे बर्फ पर रिवर्स लेने होंगे भाई। एक मिस्टेक और हमारा काम ख़त्म। और एक सेकंड भाई चाय बच रहा है, इसकी ड्राइविंग स्किल देखो यार कसम से। यार ये बंदा ना फ्रैंकलिन की तरह ही मतलब खतरनाक वाली कार ड्राइव कर रहा है। इसको ठोकने की कोशिश करता हूँ, साला गिर नहीं रहा है भाई, ये बंदा क्या ही सीन बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको ना गिरा के रहूँगा साला। ये एक सेकंड, मेरी ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी गंदी हो चुकी है। कोई बात नहीं, क्योंकि ना यार इतने अभी मेरे को सब कुछ देखना है, मतलब ऊपर से मिसाइल आ रहा है वो भी देखना है, इसको ठोकना भी है। और ये देखो भाई क्या ही बच रहा हूँ, इसको ठोकना है तो अभी ठोक सकता हूँ। ये ले, अरे भाई क्या ही गाड़ी है भाई यार, अपने भी लैम्बोर्गिनी यार, वो ना भाई डायरेक्ट उसके ऊपर इसकी मतलब स्लोप हो जा रहा है। एंड भाई साहब क्या ही बोले, कोई बात नहीं गाइस, अब इसको टक्कर देके कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं, क्योंकि अपन लैम्बोर्गिनी है। और भाई साहब मुझे ना अभी फ्रैंकी और मैं ड्राइवर को मैंने कब का मैसेज तो कर दिया है यार, बस वो टाइम पे आ जाए, पता नहीं आएंगे कि नहीं। और मेरी सिक्योरिटी सारे के सारे सबका अभी मेम्बरशिप ख़त्म हो चुका है और सबको ना अभी पैसे वगैरह देने हैं, फिर ही वो लोग काम करेंगे। और जो हमारे न्यू सिक्योरिटी ना भाई, वो भी आती होगी, पता नहीं कब आएंगी, अभी आएंगी कब आएंगी मुझे नहीं पता। बट चलो यार, अभी लग रहा है ना गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, एंड शॉर्टकट इधर से मार लिया हूँ। अब मुझे नहीं लग रहा है कि भाई क्लाउड इधर आ पाएगा, क्योंकि ना भाई मैं डायरेक्ट इधर से जंप किया हूँ। सोचो यार फटाफट से मेरे को आगे निकलना होगा, ये हेलीकॉप्टर्स मेरे पीछे पड़े यार, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मैंने फ्रैंकली और ड्राइवर को कब का मैसेज तो कर दिया, पता नहीं यार गाइस वो अब किधर है, कहाँ पर है, यहाँ पर ही उन्होंने मुझे बोला था आने के लिए। चलो यार अब से मेरे पास कुछ भी नहीं भाई कसम से भाई, क्योंकि ना सारे के सारे भाई ट्रैफिक पुलिस ने सारे के सारे मेरे मतलब घर वगैरह सब कुछ छीन लिए थे। सो इसीलिए सालों मेरे को भागना पड़ रहा है, वरना मेरे पास होते ना घर वगैरह सालों को वही टप्पा देता। बट कोई बात नहीं, अपने पास एक पिस्तौल पड़ी थी बट उससे हम कुछ कर नहीं सकते भाई, एक पिस्तौल और एक मिसाइल में डिफरेंस होता है। और एक सेकंड यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर मुझे दिखे, यस गाइस एक सेकंड मुझे यस वो फ्रैंकलिन और ट्रेवर ही है। साला इसकी भैंस किया, कोई बात नहीं भाई, फटाफट से इनको फोड़ दो सालों को और इनको इनकी औकात दिखा दो। और बस यहाँ पर क्लाउड भी आ जाए भाई तेरे को भाई, एक सेकंड मुझे बस गन देनी पड़ेगी। और ये तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं भाई, मेरे को मारना है इनको। एक सेकंड मुझे बचना होगा यार, मारो फटाफट से फ्रैंकलिन ट्रेवर, क्या कर रहा है ये। देखो एक मिसाइल तो छोड़ दिया और लग रहा है ना भाई साहब कहाँ मारा है भाई, कुछ हुआ ही नहीं उसको गाइस। कोई बात नहीं भाई, बढ़िया तरीके से एम करो और इनको ना भाई इनकी औकात दिखा दो यार। ये ना ड्राइवर फ्रैंकली फुल ट्राई कर रहा है नीचे गिराने की, बट लग रहा है ना वो भी गाइस कुछ ज़्यादा ही भाई खतरनाक वाले ड्राइवर से यार ये जो भी है ना भाई क्लाउड के बंदे। और भाई साहब यहाँ से एक सेकंड, एक को तो नीचे गिरा दिया फ्रैंकलिन ने भाई, एक रह गया और भाई क्या ही बचना पड़ रहा है। कोई बात नहीं यार, ये देख रहे हो क्या ही मिसाइल आ रहे हैं ना कसम से
भाई कोई बात नहीं, ये देखो साला मेरे को टारगेट कर रहा है। बट कोई ना भाई, तुम्हारा भाई भी प्रो है भाई साहब भागने में, और बच जाएंगे आराम से। यार फटाफट से मिसाइल छोड़ यार, कब तक भागूंगा साला, मैराथन तो होता तभी तक जीत जाता। बट यार ये लोग ये देख रहे, दो मिसाइल छोड़े बट दोनों के दोनों मिस। यार फ्रैंकलिन ड्राइवर फटाफट से, ओह भाई कसम से भाई, क्या ही नीचे गिरा है ना भाई, मज़ा ही आ चुका है गाइस कसम से भाई। यार फाइनली अब इनसे वगैरह गन वगैरह लेता हूँ, और साला ये जो क्लाउड का बच्चा है ना भाई, आ जा भाई, बस तेरी औकात दिखाता हूँ भाई, अब तू आ जा 1v1 आ जा, या पूरी गैंग लेके आ जा भाई, आज तेरे को यहाँ पे मार के रहूँगा, कोई बात नहीं गाइस। सो यार गाइस यहाँ पे ट्रेवर, और फाइनली गाइस हमारा फ्रैंकली हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं भाई। क्या ही सीन था यार, आप लोग देखा ही होगा यार, मतलब ये क्लाउड का बच्चा भी दिखा नहीं, पर ये आता ना साले को इधर ही टुकड़े कर देता साला। मतलब समझ क्या आ रहा है भाई, इसको लग रहा है माइकल मतलब अकेला मार देगा क्या भाई। पहले तो इसने ना मतलब उल्लू बनाया, मतलब हाईवे वाले पुलिस को भाई मतलब कपड़े पहना के और मेरे से सारे वगैरह गन वगैरह निकाल दिया। मतलब आपको पता है यार, अपना जो प्रेसिडेंट है वो अपना फ्रेंड है, इसलिए मैं उनको मारा नहीं। बट गाइस हम पे ना वगैरह केस वगैरह भी हो सकता है, इसलिए मैं मारा नहीं। बट मुझे क्या पता ये क्लाउड के बंदे होंगे, कोई बात नहीं। और गाइस वैसे भी ना हम लोग को ट्रेवर और फ्रैंकलिन से मिलना था, क्योंकि आपको याद है पिछले वीडियो में इन्होंने हमारे मतलब भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब कब से हेल्प कर रही है लोग हमारी, तो मैं सोचा इनको कुछ गिफ्ट दो। आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए इन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दो, सो यार आप लोग ने जो बोला है ना भाई, सब कुछ मैंने वो रेडी तो रख दिया हूँ, बस इनको गिफ्ट करना है और इनका रिएक्शन लेना है कि ये लोग ना क्या करने वाले। सो यार चलो भी फटाफट से हमें ट्रेवर को हम लोग सबसे पहले गिफ्ट देने वाले हैं। बट ट्रेवर के लिए भाई बहुत सारे गिफ्ट है, और फ्रैंकलिन के लिए भी गिफ्ट है। बट गाइस ट्रेवर के लिए जो मैंने ज़्यादा गिफ्ट रखा है, तो क्योंकि ना उसको आपको पता है उसके लिए घर नहीं, हम मतलब उसके लिए घर नहीं था, मतलब आपको पता है झोपड़ी में रहता है, सो मैंने उसके लिए एक न्यू मैंशन बाय किया है। सो यार चलो फटाफट से ना अभी आपको उसका न्यू मैंशन और कुछ कार्स वगैरह भी मैंने मतलब इनके लिए अरेंज करके रखा है। वैसे कार जो है ना भाई, आपको पता है अपना जो कार का तो वैसे ही शोरूम है, तो उसमें से मैं इनको ले जाऊँगा, और अपने पास जो जो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है ना कार्स का, तो वो उनको दिखा देंगे, जो भी ये चूज़ करना चाहते हैं भाई चूज़ कर देंगे, क्योंकि ना अपने पास भाई हर एक लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल होता है। आप लोग ने जो बोला है वो ही मैं रखता हूँ, एंड ना भाई बहुत कुछ। तो यार अभी ट्रेवर कह रहा है कि यार भाई पता नहीं यार इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी भाई, देना तो पड़ता है, जनता ने बोला है तो देना तो पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और फटाफट से आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो गिफ्ट लिख देना चैट पे। सो चलो यार फटाफट से चलते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमको आना था गाइस, क्योंकि आपको पता है ट्रेवर का एक बढ़िया सा गिफ्ट भाई, एक बढ़िया सा मेंशन भाई। इस बेचारे के पास ना एक छोटा सा मतलब टीनों का घर था, और जो कि मतलब इतनी गंदी जगह पे था ना, क्या ही बताओ। सो गाइस आपको पता है ड्राइवर ने हमारी अभी तक कितनी सारी हेल्प की और बहुत कुछ किया, वो भी फ्री में गाइस। आजकल लोग फ्री में कुछ नहीं करते। सो गाइस मैंने सोचा कि आप लोग ने भी बोला क्या गिफ्ट दो, आप लोग ने बोला इसे एक बढ़िया सा मेंशन दो। सो यार आपके कहने पे, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे मैंने इसको गिफ्ट कर रहा हूँ टोटल 10 मिलियन डॉलर का, सॉरी 10 मिलियन डॉलर का एक बढ़िया सा मेंशन, और वो भी ज़मीन के साथ, और एक बना हुआ बढ़िया सा, बहुत महंगा है। और इसका लुक देखना अंदर से और बाहर से गाइस, बहुत महंगा मेंशन है भाई, ऐसा वगैरह मेंशन नहीं है। और इसी के साथ मैंने इसको मेरे 4 सिक्योरिटी निंजा वाले, ये भी इसको गिफ्ट कर दिया। एक बंदे ने बोला था यार आप ना इनको अपने 4 कौन से भी सिक्योरिटी में से भाई सिक्योरिटी दे दो, तो यार मैंने 4 निंजा सिक्योरिटी दे दिए। सो गाइस ये देखो भाई तेरा रिएक्शन कैसा, ट्रेवर को भी पता नहीं, पर ट्रेवर को लग रहा है मजाक तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई, मजाक नहीं है भाई, भाई देख रहे हो रिएक्शन, देखो आप ना बस ट्रेवर का रिएक्शन ही देखो भाई, आज इसका रिएक्शन देखो, ये बंदा आज बहुत खुश होने वाला है। मतलब इसको ज़मीन से ना आज मैं आसमान में लेके जाने वाला हूँ, और ये फ्रैंकलिन भी खुश हो रहा है भाई। फ्रैंकलिन तेरे लिए मैं मेंशन तो नहीं खरीदा भाई, भाई सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे को फ्रैंकलिन नज़र आ रहा है, और देखो थम्स अप दिखा रहा है और ताली बजा रहा है, और भाई मतलब खुशी क्या होता है ना। सो यार चलो यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार, मतलब चलो इसका ना अंदर का टूर देखते हैं, और अंदर क्या क्या मैंने इसमें रखा है, वरना आप लोग बोलोगे यार ये इतना छोटा सा दिख रहा है यार, इतना छोटा भाई साहब, भाई अंदर से भी दिखाता हूँ यार भाई, एक बंदे के लिए अब इतना बड़ा मेंशन थोड़ी ना दे सकते, मतलब बढ़िया वाला बड़ा वाला समझे।
सो ये देखो भाई, अंदर से देखो क्या ही चमक रहा है। यहाँ से तुम मस्त बैठ के बैठ सकते हो, लिविंग एरिया है और बहुत कुछ है भाई। ट्रेवर देख भाई कैसे लगा भाई, देख रहे हो क्या ही रिएक्शन दे रहा है ट्रेवर। ट्रेवर कह रहा है एकदम प्यारा है भाई। यहाँ पर देखो पियानो वगैरह तू बजा सकता है और बहुत चीज़ें यार। अभी सब कुछ तो मैं वो करने वाला तो हो नहीं। सो ठीक है भाई, यहाँ पर देखो टीवी वगैरह ये देख सकता है मस्त बैगी, और इतनी बड़ी घड़ी लगी है भाई। कैसे लगा इधर जल्दी से यार ट्रेवर बता मेरे को। और ट्रेवर देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ट्रेवर कह रहा है कि दिल से ना भाई एक नंबर यार। चलो भाई लिविंग एरिया एंड सब कुछ, यहाँ पे घड़ी इतनी बड़ी लगी है, टीवी वगैरह, और भाई ये देखो भाई यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठ के भाई काम भी कर सकता है। और इधर से ना भाई इतना बढ़िया गाइस लुक आता है ना, पहाड़ों वाला लुक देख रहे हो भाई। इतना बड़ा व्यू ना गाइस देख रहे हो, क्या ही मजा है मतलब। और इतना बड़ा आंगन भी दिया मैंने इसको, यहाँ पे ये लोग कपड़ा सुखा सकता है और ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं लटक के। भाई कैसे लगा ड्राइवर बता दे भाई, देख रहे हो भाई मतलब भाई क्या ही बोलूँ यार। और ये बस एक फॉल्ट है यहाँ पे, एक ना इंडिया में जैसे घर होते हैं ना वैसे यहाँ पर एक टावर जा रहा है घर के पास से, पता नहीं गाइस क्या सीन है। बट चलो यार सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और बढ़िया लुक आ रहा है उससे। और गाइस यहाँ पे ना अब इसको और अंदर का दिखाते हैं, और उसके लिए एक और सरप्राइज है घर के अंदर ही। मतलब ये घर सब कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ क्या लगता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके क्या लगता है। और उसको पहले ना हम लोग बेडरूम दिखाते हैं भाई। एक बंदा है तो यार भाई, मतलब ये बेडरूम चलो बढ़िया ही है भाई। कैसे लगा भाई, भाई देख रहे हो भाई साहब क्या ही सीन कर रहा है, कह रहा है कि भाई इतना बड़ा बेडरूम तो मेरा रूम ही था, तुमने इतना बड़ा मेंशन गिफ्ट कर दिया यार। ये तो सही है, इसका जितना बेडरूम था ना उतना ही उसका घर था, मतलब एक टपरी में ही रहता था। और ये यहाँ पे पूल भी खेल सकता है, और यहाँ पे ना मस्त है कि अपनी पीठ वगैरह सही कर सकता है भाई। बहुत कुछ है यार इस वाले में, और ऊपर भी, और यहाँ पे वगैरह जिम वगैरह। और ये जो मैं आपको कह रहा था ना, ये मेंशन को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ थोड़ा सा मैंने पैसा दिया है भाई, 10 लाख टोटल है गाइस, ठीक है ना भाई। इसमें सब कुछ हो जाएगा मेंटेनेंस, बाद में जाके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये आपको पता है कैप वगैरह टी शर्ट वगैरह बहुत पहनता है। और यहाँ पे इसको मैंने प्यारा सा टॉयलेट गिफ्ट कर दिया है। सो भाई कैसे लगा, अरे भाई इधर नहीं करना है भाई, ये पता नहीं क्या सीन है भाई। भाई ट्रेवर मस्त में की कॉमेडी कर रहा है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैट पे हैशटैग ट्रेवर फनी लिख दो तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और इसको एक प्यारा सा बात टप, और भाई क्या ही रिएक्शन दे रहा है ये कह रहा है कि अभी से ना लूँ क्या भाई। अरे भाई अभी नहीं भाई, तेरे को दिखा रहा हूँ भाई। गाइस आप लोग भी देख लो, इतना बढ़िया वाला मेंशन इसको गिफ्ट किया ना, मतलब देख रहे हो भाई गेमिंग रूम वगैरह सब कुछ है भाई इसमें। और भाई पीट वगैरह भाई गेम वगैरह ऑफलाइन इंडोर सब कुछ है। और चलो ऊपर का नज़ारा देखते हैं गाइस, बहुत बढ़िया है। ऊपर तो भाई स्विमिंग पूल वगैरह भी दे दिया है इसको, और यहाँ पे ये ना बैठ के मस्त बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, मस्त बैठ के व्यू है। ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो इंजॉयमेंट देख रहे हो भाई, पूल वगैरह देखो ये मस्त बैठ के ना यहाँ पे नहा सकता है एंड मस्ती वगैरह कर सकता है भाई। एकदम बढ़िया वाला मेंशन है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। इससे ज़्यादा हम लोग इसको दे नहीं सकते गाइस, क्योंकि ना इतना एक बंदे के लिए काफ़ी है भाई। अपने को सब कुछ मेंटेन करना है, इतना तो मेरा भी नहीं है, मतलब मेरा उतना ही है। बट चलो यार अपन भी बड़ा वाला मेंशन लेने वाले हैं, क्योंकि अभी अपनी न्यू सिक्योरिटी आने वाली है, ठीक है ना। सो यार आप लोग बताओ, जो मेरी न्यू सिक्योरिटी आने वाली है उसको मैं कहाँ रखूँ यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो आप लोग मुझे एक एडवाइस दो भाई। मेरे पास टोटल ना भाई 4 मेंशन है, 4 मेंशन आपको पता है, प्लेबॉय और एक मैलिबू और एक अपना पुराना वाला घर है, मतलब सॉरी 3 ही है मेरे पास वैसे तो, बाकी तो मेरे पास 2 एक बनकर है वहाँ पर, नए नए सिक्योरिटी मैंने लगा के रखा है। एक अपना गोल्ड माइन पे एक मॉन्स्टर सिक्योरिटी रखी है, और अपना जो सीक्रेट बनकर है वहाँ पर निंजा सिक्योरिटी, और प्लेबॉय में भी, और जो अपना पुराना घर है ना सबसे पहले वाला वहाँ पर अपने KSPG सिक्योरिटी, और गाइस अपने प्लेबॉय और मैली भी मेंशन में NSG सिक्योरिटी लगी है। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, जो मेरे न्यू सिक्योरिटी आ रही है RSDPG उसको कहाँ रखना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये टाइम नहीं मिल रहा है, न्यू मेंशन देखो कैसा है और क्या नहीं है, मतलब समझ रहे हो गाइस। सो चलो यार एक इन्हें ना बताते एक और बढ़िया सा भाई। इस वाले मेंशन में बहुत कुछ था, ठीक है, अभी सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो अभी ना इनको एक नेक्स्ट गिफ्ट की ओर निकलते हैं। अभी अपने को फ्रैंकलिन को भी तो गिफ्ट देना है भाई, फ्रैंकलिन और ट्रेवर को, मतलब अभी तो ट्रेवर के लिए 2 गिफ्ट है
बट फ्रैंकलिन के लिए एक ही है क्योंकि फ्रैंकलिन के पास पहले ही ज्यादा ही पैसा है। सो गाइस चलो फटाफट से ना निकलते हैं, इनको एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होने वाला है। आपने जो बोला बिल्कुल वही, सब कुछ रेडी है। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारे लग्जरियस शोरूम पे। मतलब अपना आपको पता ये वाला बिजनेस मैंने खोला था भाई बहुत मेहनत से, मतलब इतनी मेहनत से ये वाला शोरूम लिया था ना गाइस, क्या ही कहे। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फटाफट से इधर कार को पार्क करते हैं। और आप लोग ने जो बोला था ना बिल्कुल वही मैंने रखा है, अब इनके ऊपर छोड़ा है मैंने कि भाई तुमको पसंद आती तो ले लो वरना मत लो भाई, क्योंकि आपने जो बोला है भाई सब कुछ अपना स्टॉक में अवेलेबल होता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सुपर कार्स अवेलेबल होती है, क्योंकि अपना बिजनेस ना भाई बहुत बड़ा हो चुका है। अभी अपन लोग कार का शोरूम भी है और ऊपर से अपन लोग ड्रग्स वगैरह का भी बिजनेस कर रहे हैं। सो चलो अंदर चलो यार तुम दोनों, और भाई तुमको जो चाहिए ना उस पर हाथ रख लो भाई, वो कार तुम्हारी हो जाएगी। सो गाइस ये रहा अपना कार का शोरूम भाई, बढ़िया बिजनेस चल रहा है भाई। बेनी ने भाई सब कुछ सेट करके दे दिया है, मतलब सब लोग अपना काम वगैरह कर रहे हैं। और ये देखो रेड वैगन मतलब जी वैगन का नया मॉडल हमारे पास आ चुका है, और भाई इसके फोटो वगैरह ना भाई न्यूज़पेपर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बुलाया है इसको, ये ना भाई सब कुछ करेगा। और भाई हमारी जो शोरूम की पॉपुलरिटी है ना भाई वो बढ़ती जाएगी। सो चलो यार भाई ट्रेवर और फ्रैंकलिन जो तुम्हें चाहिए भाई देख लो, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ। और ये जो न्यू मॉडल आया ना भाई साहब ये तो मैंने भी नहीं चलाया अभी तक, AMG आई थिंक GT है, AMG GT है, पता नहीं कैसी कौन सी कार है, आई थिंक पता नहीं, मेरे को मैनेजर से बात करनी होगी, लग रहा है ये GT है बट इसका मॉडल मतलब जो नाम होता है ना। और ये देखो जी वैगन सिल्वर कलर में भाई एकदम बुलेरो टाइप की लग रही है, पता नहीं यार। चल भाई इनको जो पसंद आया ना वो ये रख लेंगे, और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी मैंने इधर रखा है भाई। हर एक सैंपल होता है ठीक है ना भाई, दिखाने के लिए हर एक सैंपल अलग होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं गाइस, ऑर्डर करते हैं, मतलब जैसे शोरूम में होता है वैसे ही ना, तो भाई ऑर्डर करते हैं फिर वहाँ से इनको दे देंगे। और ये देखो इसका नाम मैं भूल नहीं गया, फॉर्चुनर है भाई, ब्लैक फॉर्चुनर गाइस, ये भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। और यहाँ पे सुपर स्टार्स अलग अलग डिज़ाइन में ये भी अवेलेबल भाई, बहुत सारे मॉडल होते हैं गाइस, भी सबका नाम मेरे को याद तो नहीं है, आप लोग बताना अगर आपको सही लगता है तो भाई ये कार आपको गिफ्ट कर दूंगा और आपका नाम मैं इसमें गिफ्ट कर दूंगा, और अगर आप GT5 खेलते तो आपको मैं सेंड कर दूंगा ठीक है ना। तो मेरे को नाम बताओ, आपको मैं आपका फ़ोटो लगा कर और नाम लगा कर मैं सेंड कर दूंगा, बस मेरे को इधर दो कार्स थे उनका नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता बट चल। और इनको मैं और कलर्स दिखाता हूँ जी वैगन के भाई साहब, क्योंकि आपने बोला था जी वैगन दिखाना है इनको, एंड जी वैगन जो है ना भाई साहब बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग, इतने लाइक्स आए ना एक बंदे के कमेंट में, सो मैं सोचा यार जी वैगन का स्टॉक अवेलेबल करते। देखो भाई तुमको जो चाहिए ना भाई भाई तुम बोल दो ठीक है ना भाई, अवेलेबल कर दूंगा, अगर इनको पसंद नहीं आता है मतलब तो फिर कोई बात नहीं, फिर दूसरा हम लोग इनको दिखा देंगे। पता नहीं यार ये लोग क्या सिलेक्ट करने वाले, मुझे नहीं पता भी, मैंने सारा इनको कार्स दिखा दिए जो भी मेरे स्टॉक में अवेलेबल था, वैसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कार्स थे यार बट मैं लेट हो गया, अभी सारे के सारे कार ना भाई बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी वैसे जी वैगन तो भाई बढ़िया है, बहुत कुछ था यहाँ पे भाई, सब कुछ है भाई, फॉर्चुनर भी है। और भाई साहब इधर ना भाई, अभी इनको मैं देखते गए और देखते क्या सिलेक्ट किया। ऑलराइट गाइस फाइनली गाइस फ्रैंकलिन ने चूज किया है AMG GT, और यहाँ पर ट्रेवर ने चूज किया है ब्लैक जी वैगन। गाइस ये तो गाइस दोनों को भाई बहुत खुश हो चुके हैं, और ट्रेवर तो भाई ज़्यादा ही खुश है, मतलब बढ़िया वाली इसको कार गिफ्ट की भाई, इसका रिएक्शन देखो यार मेरे को इतना हंसी आ रहा है ना भाई क्या ही बोलो। और ये फ्रैंकलिन का तो भाई अलग ही सीन चल रहा है, इन दोनों को बढ़िया सी कार गिफ्ट देखे ना भाई बहुत खुशी हो रही है, मतलब दोनों ने कितनी अच्छी बढ़िया बढ़िया हेल्प की हमारी भाई विदाउट पैसों के। सो ऑल राइट गाइस ये हमको बढ़िया बढ़िया भाई मतलब विशेष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि थैंक यू वगैरह होता है ना, ये देख रहे हो भाई हम लोग मस्त में कि ग्रीट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब बढ़िया वाले गाइस भाई साहब देख रहे हो जो भी होता है ना, हाई फाई वगैरह भाई सब कुछ कर रहे हैं यार, मतलब भाई सब कुछ खुशी का माहौल हो चुका है। और कह रहे हैं कि भाई ये दोस्ती ना भाई कभी तोड़ेंगे नहीं तीनों मिलके, तो यार क्या कहते हो इनकी दोस्ती टूटेंगी या नहीं टूटेंगी,
भाई मुझे तो लग रहा है तीनों की दोस्ती होनी चाहिए ऐसे ही, और भाई तीनों का फ्री में काम हो जाएगा। सो चलो यार, ये ब्लैक जी वैगन ना भाई साहब बहुत बढ़िया लग रही है कसम से यार। ये जो कार ना मुझे चाहिए थी, बट चलो यार अभी फ्रेंड के लिए इतना तो बनता है भाई। मैंने खुद अपने लिए कार नहीं खरीदी है भाई, कब से वही कार में घूम रहा हूँ मैं। बट चलो यार अभी फ्रेंड्स के लिए इतना तो बनता है, अपने लिए तो गाइस अपन कुछ भी चला लेंगे। और गाइस ठीक है ना यार, अभी आप लोग बताना आपको कैसे लगे, आप लोग को बढ़िया लगे कि नहीं बताना, और वीडियो को गाइस लाइक कर देना। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैट पर GT एंड जी वैगन लिख दो तो मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करना यार, स्किप मत करना, स्किप करने से वीडियो डाउन हो जाती है, फिर यार डीमोटिवेट हो जाता है एंड फिर व्यूज़ नहीं आते हैं और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ डोंट स्किप, वॉच फुल वीडियो और लाइक ज़रूर करना। और चलो यार अभी हमारे लिए बहुत, अभी हमारे न्यू सिक्योरिटी आने वाली है गाइस, अभी मुझे जाना है मेलिमी मेंशन पर, क्योंकि मुझे अभी कॉल आया था रशिया का, रशिया की मैंने सिक्योरिटी बाई की है तो उसका जो हेड है ना एजेंसी का, तो उसने मुझे कॉल किया कहे कि जल्दी से आ जाओ, और हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तुम कहाँ हो भाई अब, मतलब यार लेट हो गया मैं। सो चलो यार फटाफट से जाते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे मेलिमी मेंशन पर। और एक सेकंड भाई, ये क्या है भाई इतना सारा प्रोटोकॉल भाई, किस लिए, कौन आया भाई इधर, यहाँ पर क्या कोई प्रेसिडेंट वगैरह आया क्या, भैंस की आग, ये देखो पूरा रास्ता ही जैम करके रखा है और बैरियर वगैरह भाई, एंड भाई ये देखो भाई इधर, अरे NLC वालों पागल हुए हो क्या है, कौन आया भाई इधर। ये कह रहा है कि भाई जो न्यू सिक्योरिटी आपने बाय किया ना उसका भाई हेड आया है यहाँ पर, मतलब एजेंसी का जो अपन उससे मिले थे ना वही वाला भाई। यार ये वेलकम बैरियर्स और ये क्या क्या देख रहे हो, और साथ में ना इतने सारे इसने व्हीकल्स भी लाए, और दो वाले तो पुराने ही है। चलो अंदर जाके देखते भाई क्या प्रोटोकॉल है यार, मतलब भाई ऐसा कौन करता है भाई, ये क्या है, मतलब पूरा रास्ता ही जाम कर दिया भाई, भाई जैसे कोई बड़ा वाला ना गाइस प्रेसिडेंट वगैरह कोई प्रधानमंत्री आए हो जैसे, कोई बात नहीं। एंड एक सेकंड भाई अंदर हेलीकॉप्टर देखो, ये ना सारे के सारे हमने परचेस तो नहीं किए वैसे, मतलब जब हमने सिक्योरिटी बाई की ना तो गाइस तभी गाइस हमें ना ये जो मिल चुके थे, मतलब सब साथ में परचेस करना है ऐसे वगैरह। सो यार चलो ये अच्छी बात है यार, अभी फटाफट से मैं पार कर लूँ पहले गाड़ी को, फिर इनसे भाई बातचीत कर लूँ, इन्हें पता ही नहीं मैं आया हूँ। कोई बात नहीं गाइस, हमारी RSBPG सिक्योरिटी फाइनली गाइस आ चुकी है हमारे मेलिमी मेंशन पे, बस हमें पता नहीं इसको कहाँ रखना चाहिए, अभी नया मेंशन खरीदो या इसको यहाँ पर ही रखो, और जो हमारी NSG सिक्योरिटी है उसको प्ले बाय पे शिफ्ट कर दो, मतलब प्ले बाय पे से पहले से ही है, मतलब प्ले बाय मेंशन और मेलिमी मेंशन पे दोनों हमारी NSG सिक्योरिटी अवेलेबल है। आप लोग बताओ क्या करूँ भाई, NSG को उधर भेज दूँ या नया मेंशन खरीद के वहाँ पे लगवा दूँ। सो यार चलो इनसे बातचीत करते हैं, भाई साहब क्या कह रहा है, इससे बातचीत कर लेते हैं भाई साहब, पता नहीं। सो ऑलराइट गाइस, यही कह रहा है कि देखो तुम अपनी सिक्योरिटी देख लो, टोटल हमने 30 बंदे खरीदे थे 40 मिलियन में हेलीकॉप्टर्स के साथ, एंड कुछ व्हीकल्स भी थे, मतलब वगैरह वगैरह। और ये कह रहा है कि गाइस देखो हमारी सिक्योरिटी ना बहुत ख़तरनाक, और ये कह रहा है कि देखो हमारे पास ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं, मतलब स्पेशल अटैक पैकेजेस, मतलब न्यूक्लियर पैकेट्स, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल गिरा सकते हैं किसी के ऊपर भी, और बहुत सारे रॉकेट्स आते हैं पूरा घर वगैरह ब्लास्ट कर देते हैं, और टाइटन शिप्स भी हैं जो कि बड़ा वाला मिसाइल छोड़ के सब कुछ तबाने इसका। आपको पता है पिछली बार हमने न्यूक्लियर मिसाइल चुराया था मिलिट्री आर्मी ऑफिसर से, और ना बहुत कुछ। और ये कह रहा है कि अभी एक फ़ोटो तो बनती है सबके साथ में, सो चलो यार फ़ोटो वगैरह भी खींच लेंगे और बहुत कुछ ये गाइस। ये कह रहा है कि देखो हमारे पास इतना कुछ है ना भाई, हम रशिया से मतलब ख़तरनाक बंदे। सो गाइस ये जो सिक्योरिटी के बंदे ना एजेंसी, ये रशिया की है। सो गाइस चलो इनके साथ फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं भाई, ये कह रहा है कि जब भी हम आते हैं। ऑलराइट गाइस ये देखो यहाँ पर ना इनका, ये कहते हैं हम जिसको भी हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनके साथ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। सो चलो अच्छी बात है यार, फटाफट से फ़ोटो वगैरह ले लो। बट मुझे बुरा लगा कि यार ये ना हमारे जो पार्टनर है हैकर्स वगैरह, इनको नहीं ले रहे फ़ोटो में यार, ये कह रहे कि जो ओनर है ना उसी के साथ।
सो यार चलो यार, ये रशिया के बंदे ना कुछ ज़्यादा ही मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, हमने अभी सिक्योरिटी बाय की है तो इतना तो बनता है गाइस। तो चलो यार इनको ना अलविदा कहते हैं, और भाई हमारी जो न्यू सिक्योरिटी है उनसे अभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह देखते हैं और क्या नहीं करते। और फटाफट से ना चलो यार अभी बढ़िया 30 सेकंड भाई, एक चला गया और एक क्या कर रहा है यहाँ पे। ओए भाई इसको तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, वरना हमारे पैसे भी गए और सिक्योरिटी भी गए। इससे पूछ तो भाई क्या कह रहा है तेरे से ये भाई। ये कह रही है कि यार देखो तुम मेरे टीम में आ सकती हो तो आना, मेरे को कॉल करना जब भी तुम्हारी मर्जी हो। यार भाई साहब भाई, मतलब यार ये रशिया का बंदा ना ज़्यादा ही चालू दिख रहा है मेरे को, फालतू का दिमाग आउट कर रहा है भाई। हमारी हैकर गर्ल को ना भाई कह रहा है कि तुम मेरे उधर भी काम कर सकते हो भाई, पैसे तो कुछ भी करेगा क्या। चलो यार जाने दो, कोई बात नहीं गाइस, वो जा रहा है जाने दो उसको, फालतू का इससे पंगा वगैरह लेते नहीं, वरना भाई 40 मिलियन तो उसको मैंने पेमेंट कर दिए। और भाई पहले हमारे गेस्ट जो पहले वाले ओवर सिक्योरिटी उनकी भी पेमेंट करनी बाकी है, और गैस बहुत कुछ है अभी। तो यार चलो अभी पहले हमारा, पिछले वीडियो में आपने देखा हमारा जितना भी ड्रग्स वगैरह था भाई, वो सारी की सारी डील ही कैंसिल हो गए और पैसा वगैरह भी नहीं, और सारा का सारा जो भी माल था ना भाई सब जब्त कर लिया YCT के पुलिस ने। और चलो भाई, भाई तू क्या कर रहा है, तू निकल अब, क्या फ़ोटो ले रहा है बाल तो गिरी भाई, फ़ोटो वो ले रहा है भाई, दिमाग ख़राब कर रहा है। सो चलो यार गाइस अभी ना, अब इनको बोलते हैं कि चलो यार तुमने अपना अपना जलवा दिखाओ फटाफट से भाई, क्या कर सकते हो भाई तुम, भाई क्या क्या काम किए बता दो मेरे को, और टोटल कितने भाई एक बार गिन लो ना भाई, मैं टोटल 30 ही है ना, एक बार देख लो गाइस, एक बार हम लोग फटाफट से ना गिन लेते भाई, मुझे लग रहा है ना 30 ही है, आप लोग गिन लेना भाई। एक लाइन में 3 खड़े हैं और टोटल आई थिंक 10 कॉलम्स है, तो चलो मेरे को लग रहा है बराबर है गाइस 30 ही है, ठीक है ना, इधर से 3-3 की लाइन में टोटल 10 लाइन है, तो चलो यार सही है भाई। ओके ओके, अरे भाई तेरे को क्या हो गया भाई, आप लोग बताओ इनके पीछे लिखा क्या है, कैसी रशिया में ना क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर जिसको भी रशियन आती है भाई इनके पीठ के ऊपर क्या लिखा है पता नहीं, ये रशिया का कोड वगैरह पता नहीं क्या वगैरह। चलो ठीक है यार भाई, इनके पास सारे के सारे हाईटेक वेपन्स है, रेल गन इनके पास तो है। एक सेकंड, किसी के कॉल आ रही है अपनी, ये तो बात कर लेते। ऑल राइट गाइस, मुझे ना अभी कॉल आई थी भाई, गैंग जो रेड गैंग के लीडर है ना, मतलब टॉमी और रेड गैंग, ये कह रहे हैं कि फटाफट से आ जाओ, एक मैटर हो चुका है। भाई यार क्या मैटर हो गया यार, तुम मैटर हो गए तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, अभी मार्टिन मर गया, अब तुम अपना अपना देखो यार। चलो यार अभी इतना गाइस, अभी जाके देख लेता हूँ फाइनली ना भाई, काम वगैरह कर लेते हैं अभी। यार पता नहीं हम लोग को, हमारा काम था मिल के काम करना, बट अभी हमारा दुश्मन तो मर चुका है, कह रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। आई थिंक ना मेरे को वही वो कहने वाला है, पता नहीं गाइस वही बात है या कोई और बात है। अभी क्लाउड का तो उसने मुझे कहा था गाइस, जो GTA 3 का कैरेक्टर आया ना वो भाई, वो तो है गाइस, बट अब ना अब क्या नहीं प्रॉब्लम हो चुकी है, अभी कोई नया नया भी आ गया क्या भाई हमारा, गाइस मुझे नहीं पता। और आप बताओ हमारी न्यू सिक्योरिटी आपको कैसे लगी भाई, अगर आपको बढ़िया सिक्योरिटी लगी तो चैट पे भाई लिख दे रहा हूँ, फिर मेरे को समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और वीडियो को लाइक ना करें, 1000 लाइक फटाफट से कंप्लीट किया करो यार, लाइक नहीं करते हो। और ये देखो गाइस हमें ना ये जो वेपन्स मतलब 4-5 ना, इसमें धुआं क्यों निकल रहा है भाई, भाई रशिया का माल चालू तो नहीं ना मतलब। ठीक है भाई, भाई ये देख रहे हो 6, ये ना भाई 6v6 कार है, 6x6 की, मतलब इसमें टोटल ना भाई 7-8 लोग बैठ सकते हैं आराम से गाइस, 8 लोग आराम से बैठ जाएंगे। सो चलो यार फटाफट से ना इसमें बैठ जाते हैं। और गाइस 40 मिलियन में हमको ये 2 कार्स और जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह मिले, ये डील मेरे को बढ़िया लगी, आप लोग को बताना कैसे लगी। चलो बढ़िया डील है, और ये लोग भी आ चुके थे। चलो यार फटाफट से बैठ जाओ भाई, आज कल अब तुम लोग को ही देखते हैं क्या सीन है गाइस, तुम्हारी सिक्योरिटी कैसे मुझे नहीं पता, अब देखते हैं हमारे न्यू सिक्योरिटी RSBPG कैसे काम करती है भाई, कितनी पावरफुल है भाई। सब कुछ करना पड़ेगा ना गाइस, टेस्ट वगैरह सब कुछ करना तो पड़ेगा ना। और कुछ ये लोग और भी आएंगे या कुछ और भी है पता नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारे अभी हेलीकॉप्टर्स भी आने वाले हैं आपके पीछे। चलो यार अभी हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे भाई, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी
गाइस इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो भाई प्रेसिडेंट की भी नहीं होती है भाई। ठीक है यार, चलो एक और आ गया। एक और है क्या भाई? कह रहा है कि एक और उड़ने वाला है। चलो एक और है। ऑल राइट गाइस, भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी, भाई इतनी भी ज़रूरत नहीं थी यार, इतना भी लूजर नहीं हूँ मैं। चलो यार, वैसे हमको ना गाइस सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये क्लाउड का बच्चा मार्टिन को मैंने मारा है भाई, वो उसका कभी भी हम पे अटैक कर सकता है, तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रख दी। अब आगे दिखा भाई, अब मेरे को छू के दिखा, अब ना तेरा मतलब क्या ही बोलूँ। अब मेरे को कोई पुलिस दिखो या कोई भी देखो भाई, सबको ढूंढ दूंगा। अब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। चलो यार, अभी फटाफट से निकलते हैं रेड गैंग स्कल के बेस के ऊपर, और पता करते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। और देख रहे हो क्या ही लुक आ रहा है, देख रहे हो भाई, ऐसे लग रहा है ना कोई खतरनाक वाला कॉन्वे लेके आ रहा है। आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताना, ये कॉन्वे कैसे लगा गाइस? दो हेलीकॉप्टर पीछे और बहुत कुछ भाई, मेरे को तो बहुत खतरनाक बनी। ऑल राइट गाइस, फाइनली यहाँ पर हम आ चुके हैं रेड गैंग स्कल के बेस के ऊपर, और देख रहे हो ना भाई क्या ही सीन लग रहा है। देखो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और इसको पता ही नहीं मैंने न्यू सिक्योरिटी बाई की है। और गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो चलो फटाफट से ना एंड अंदर एंट्री मारते हैं, और हेलीकॉप्टर से भाई खतरनाक वाली, ये बंदे ने भी बहुत ज़्यादा ही पैसे कमा लिए गाइस। भाई इतना ज़्यादा ड्रग्स का भाई बिजनेस कर रहा है ना ये बंदा, जब से लॉस एंजेलस में आया है भाई, इतना बिजनेस ये बंदा वाई सी टी में भी नहीं कर रहा है, इतना बिजनेस ये यहाँ पर कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, बिजनेस कर भाई, इधर भी कर, बट कोई प्रॉब्लम मत करना भाई, और हमें फंसाना मत, क्योंकि ना भाई इससे हम मिले हुए और पुलिस इसको ढूंढ ली ना, और हमारे भी लग सकते हैं। सो कोई बात नहीं यार। चलो भाई इधर देख भाई, हमको फ़ोन करके बुलाया, देख तक नहीं रहा भाई, क्या बात है भाई, क्यों बुलाया, क्यों भाई तूने हमें, पता नहीं गाइस क्यों बुलाया, फटाफट से बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं क्या सीन है। गाइस ये कह रहे हैं भाई, देख एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तुझे पता ही है मैं वाई सी टी में ड्रग्स का बिजनेस करता था, मतलब यहाँ पे भी कर रहा हूँ लॉस सेंटर्स में आके, और अब ना प्रॉब्लम हो चुकी है। अब ना गाइस ये कह रहा है कि बलास गैंग और वेगस गैंग, पता नहीं कौन सी गैंग है ये कह रहा है। भाई मुझे तो पता है दोनों गैंग के बारे में, इसे नहीं पता क्योंकि ये बंदा वाई सी टी में। ये कह रहा है कि उसने उसको धमकी दी है कि देख भाई तू अगर हमारे बिजनेस के बीच में आएगा ना भाई, तुझे हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेशल टैंक पावर है, हम तेरे पे अटैक करने के लिए आ रहे। गाइस ये तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है। वो कह रहे कि अगर तेरे में दम होगा तो आ जा, तेरे को लोकेशन वगैरह दे दिए। भाई उनको नहीं पता कि मैं गैंग से मिला हुआ, ठीक है ना, ये वेगस और बलास आपको पता है, बला से तो मेरे दुश्मनी है गाइस बहुत पुरानी, बट अभी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठंडी हो चुकी थी भाई, सब कुछ फिक्स हो चुका है, बट ये वेगस से मेरे दुश्मनी नहीं है। ये कह रहा है कि देखो वो ना मेरे पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, वैसे तो इसके पास पावरफुल ज़्यादा है, बट ये कह रहा है कि देखो अटैक करने से पहले तुम अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर दो भाई, या उनसे ना स्पेशल टैंक है भाई बहुत कुछ है। ये कह रहा है कि देखो तुम यहाँ का संभालो, मैं वहाँ का संभालता हूँ। सो गाइस तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, अभी ये सिक्योरिटी का मुझे टेस्ट लेने के सिवाय, भाई ये तो बढ़िया काम हो गया ना, मुझे इनका टेस्ट भी लेना था। और भाई चलो यार, अभी ना हमारी न्यू सिक्योरिटी का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं ये क्या काम कर सकती है, और थोड़ा जंगल में जाते हैं और गाइस पता चल जाएगा क्या सीन होने वाला है और क्या नहीं। तो चलो फटाफट से चलते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना हम लोग वहाँ आ चुके हैं जहाँ पे हमको रेड स्कल ने लोकेशन दी थी, और वो कह रहा है कि जो बालास गैंग और वेगोस गैंग के जो बंदे हैं ना वो डील कर रहे हैं, और जो सुपर टैंक है ना उससे वो अटैक करने वाले हैं। गाइस तो मुझे ना अभी रेड स्कल के बंदे की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अटैक हो सकता है और यहाँ पर भी मुझसे भी ये लोग अटैक कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया कोई चांस नहीं होगा मेरी जो सिक्योरिटी है ना इसका टेस्ट करने का। तो ये मेरे लिए भी बढ़िया है कि यार ये जो मेरी सिक्योरिटी है ना भाई, सिर्फ ये 7 बंदे में लाया हूँ, ये बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल 30 बंदे हैं, बट 7 बंदे काफ़ी है कि नहीं। और ये हेलीकॉप्टर को बोलता हूँ कि यार तुम लोग ना थोड़ी देर कई देर रुक जाओ, मतलब लैंड करवा दो, क्योंकि पहले ना हमको चेक करने दो कि यार ये लोग ना है कहाँ पर, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है एंड ब्ला ब्ला। सो चलो यार फटाफट से ना एक बार जाके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और यहाँ पर ना
बहुत सारे गैस, मतलब पावरफुल टैंक वगैरह भी आए हुए हैं, मतलब वो पावरफुल टैंक की डील चल रही है, उसी से वो मुझ पर अटैक करने वाले। पता नहीं ये पावरफुल टैंक कहाँ से मिला इन लोग को। एक सेकंड, ये देखो गैस, ये वेगास की पीली गैंग और बालास की ना पर्पल गैंग। यार तुम लोग को बोला था चले जाओ, तुम लोग अभी तक गए नहीं। यार ये देखो, और बीच में देखो गाइस पावरफुल टैंक खड़ा है, और ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है गाइस। आपको पता है ये कितना पावरफुल टैंक है, इसको कितना भी मारो इसे कुछ होता ही नहीं है, और ये सिर्फ ब्लास्ट पे ब्लास्ट किया जाता है, मतलब बहुत खतरनाक है। सो गाइस मैं नहीं चाहता, मतलब ये चाहते हैं कि इनके सिवाय ना कोई लॉस सेंटर्स में कोई गैंग ही ना हो, और इनसे बड़ा कोई माफिया ही ना हो। सो गाइस ये ना ज़्यादा ही कर रहे हैं, इनको लग रहा है ना अब रेड स्कल और मैं मिलके ना भाई लॉस सेंटर्स पे मतलब सबसे बड़ी गैंग बन जाएंगे। तो यार ये प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब हमें हराने की। गाइस ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लोल हो गया भाई, ये तो होना ही चाहिए ना गाइस। हर गैंग का मतलब उनका बिजनेस भी लो हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी ड्रग्स का काम कर रहे हैं और इन लोग का भी बिजनेस पे असर पड़ रहा है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना भाई ये क्यों आ गया इधर, हेलो इधर इसको क्यों ले आया भाई। ये कह रहा है कि ये ना फाइट करेगा भाई, दिमाग सही है ना भाई, ये फालतू का इधर मारे जाएगा। और एक सेकंड ये तो बात भी करता है गाइस, गाइस भाई ये तो पूरा इंसान है भाई। ये कह रहा है कि भाई तुम मेरा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इधर बचाने के लिए आया हूँ भाई, तू फॉरवर्ड में चला जा, कैटिलीवा बन के हेल्प कर भाई, तू इधर फाइट करने आया भाई, मजाक कर रहा है क्या गाइस। चलो अभी अटैक करने का टाइम आ चुका है, और मैं हेलीकॉप्टर को भी बोल देता हूँ तुम लोग भी रेडी हो जाओ। और मुझे हंसी आ रही है कि यार ये पर्ल वर्ल्ड वाला जो पेड़ है ना कैटिलीवा भाई, ये भी हमारे साथ फाइट करने वाला है। गाइस ये क्या सीन है भाई, क्या देखने को मिल रहा है। अब मुझे बस मेरी जो न्यू सिक्योरिटी है उनका पावर देखना है, मतलब ये कितने लोग हैं टोटल ना भाई। मुझे ये 100-200 लोग नज़र आ रहे हैं, और मेरे टोटल 7 हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। और ना गाइस बहुत कुछ है वैसे हमारे पास, बट मैं इतने ही ले आया हूँ। देखो 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ से आ रहे हैं, उनको तो मैंने कमांड दे दिया है। अब देखना है कि पावर क्या है हमारी न्यू सिक्योरिटी का, मतलब अभी तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं भाई, अटैक कर दिया और इनके पास वैसे ना हाई टू पीपल। ओह भाई गाइस ये देखो भाई, क्या पूरी धरती हिल रही है भाई, खत्म भाई। एंड ये देखो जो हेलीकॉप्टर में जो मिसाइल है ना भाई, ये देखो भाई खत्म है गाइस, खत्म है भाई, खत्म है। इनको मैं भी मारने की कोशिश करता हूं भाई, मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई, ये सभी मार कर एक से गए भाई, सब पर गए क्या भाई, ये क्या सीन है भाई। सारे के भाई मिसाइल छुट रहे ऊपर से हेलीकॉप्टर से, अभी तो जेट वगैरह बाकी है गाइस, पता नहीं हम लोग अभी बहुत कुछ खरीदना है भाई, सब कुछ खत्म है भाई। भाई एक मिनट भी नहीं छोड़ो, 10-15 सेकंड भी लगा नहीं भाई साहब। भाई इन लोग ने हमको मारा के लिए, मैं तो मुझे समझ नहीं आया भाई, ये पावरफुल सिक्योरिटी है यार। भाई मिसाइल बंद करो भाई, ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा भाई फालतू का। और भाई पर्ल वर्ल्ड भाई, ये जो कैटिली है ना भाई, इसने भी फाइट की भाई, बालास के गैंग के बंदे और वेगास गैंग के बंदे भाई, सब कुछ ख़त्म है गाइस। ये ना भाई यहाँ पे ये लोग डील कर रहे भाई, बैठ गए गाइस। इतनी पावरफुल सिक्योरिटी, सिर्फ 7 बंदे लाया था मैंने, टोटल मेरे पास 30 बंदे हैं भाई। तो सोचो यार 7 इतना कर सकते हैं, तो 30 क्या कर सकते हैं। अभी तो हम लोग ने कुछ स्पेशल इनका जो टीम वर्क है वो भी यूज़ नहीं किया है गाइस, पता है। अभी मुझे जो गैंग का जो एजेंसी का मतलब सॉरी जो सिक्योरिटी का एजेंसी का लीडर है ना, वो कह रहा था कि हमारे पास स्पेशल पावर है गाइस, मतलब न्यूक्लियर रिकॉर्ड, मतलब 30-40 हेलीकॉप्टर्स मतलब सॉरी प्लेन्स आएंगे और मिसाइल नीचे गिराएंगे और सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं, बट उसका अलग से चार्जेस होता है। और ये देखो इतने सारे ड्रग्स और वगैरह, पता नहीं क्या डील कर रहे थे ये लोग। और यहाँ पर सुपर पावरफुल टैंक थे, और ये तो अभी हमारा हुआ।
ये नल्ले गैंग के बंदे ना इतना पावरफुल टैंक कहाँ से ला लिए, मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है कि यार ये हो कैसे सकता है, ये नल्लों के पास आ कैसे सकता है। और वहाँ पे भी फाइट चल रही होगी, मुझे नहीं पता गाइस, जो रेड स्कल का बंदा है वो भी फाइट उधर चल रही होगी गाइस, पता नहीं गाइस। उसने कहा हम लोग डायरेक्ट अटैक कर देंगे, क्योंकि मतलब ये काम तो उसका था ना, तो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो वो तो उसकी अपनी फाइट कर ही रहा है वहाँ पर, और पता नहीं कब तक कर रहा है। उसने डायरेक्ट उनके बेस पे, मतलब वो लोग अटैक करने से पहले हमने उन पर अटैक कर दिया। सो गाइस ये तो बढ़िया बात हो चुकी है। और ये देखो कैटिलीवा भाई साहब, ये ना भाई मेरे उस पर बैठ चुका है, जंप कर रहा है। और इसकी पावर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सुपर टैंक है ना, इसका लुक देख के मतलब क्या ही बोलो गाइस, मज़ा ही आ जाता है। और ये देखो भाई क्या ही जंप कर रहा है हमारा कैटिलीवा, इसको पलवर्ड बोलूँ भाई, इसको क्या बोलूँ, ये तो मेरा पेट भी नहीं, ये तो बोलता भी है और भाई फायरिंग भी करता है गाइस। मतलब ये देखो कहाँ पर भी चढ़ जाता है, ये जो टैंक है ना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया टैंक है कसम से। इसकी पावर मुझे अभी देखती है, फुल पावर देखता हूँ। ओ भाई ये देखो भाई ऐसा फायर हो रहा है जैसे गोली चला रहा हूँ भाई, ईआर जैसे चलाते हैं ना वैसी वाली फीलिंग आ रही है कसम से गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और यहाँ पर देखो भाई ये मैं क्या फायर कर रहा हूँ, मतलब ऐसा उड़ रहा है ना भाई, ऐसे लग रहा है मैगजीन लगी और धड़ मतलब देख रहे हैं जैसे गोली चला रहा हूँ भाई, वैसी वाली फीलिंग आ रही। इतना पावरफुल टैंक है गाइस कसम से भाई, इतना पावरफुल टैंक है ना गाइस, मज़ा ही आ चुका है, मतलब एकदम मज़ा ही आ चुका है। और ये देखो भाई सब क्या पावर है इसकी, अगर इससे हम पे अटैक करते ना गाइस कसम से हम बिल्कुल ही गाइस खत्म थे, क्योंकि ये जो छोटी गैंग से भाई ये उम्मीद की थी कि ये इतना पावरफुल टैंक से हम पे अटैक करेंगी, ये टैंक तो डक्टर फोर्स के पास भी नहीं है गाइस। सोचो भाई सिर्फ एक टैंक और हमारे इतने ज़्यादा नुकसान होता ना गाइस, क्या ही बोलो। और ये पल हमारा कैटिलीवा भी बहुत खुश है, कह रहा है कि यार हमारी पहली जीत हुई, कि यार इसे क्या बता। तो चलो यार फटाफट से ना इसको ले जाते हैं हमारे बेस के ऊपर और देखते हैं इसकी पावर, मतलब इसको मतलब ये तो पता नहीं गाइस गैर कानूनी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ऑल राइट गाइस हम लोग थोड़ा दूर आ चुके हैं, और मुझे ना ये रास्ते में आई थिंक भाई ये बालास के बंदे या वेगस के, एक सेकंड ये कह रहा है कि भाई वापस कर दो अगर मरना नहीं है तो। भाई ये बंदा पागल हो गया है क्या भाई, तुम्हारा टैंक लेके आ रहे हैं और तुम हमको ही बोल रहे हैं। और ये देखो भाई नीचे उधर चुका है हमारा कैटी हुआ, और भाई इसने तो भाई इधर से ही मारना शुरू कर दिया भाई, ये लोग हमको पहले धमकी दे रहे थे, कह रहे हैं कि भाई चुपचाप ना वापस कर दो भाई, इसको तो मैं नहीं मारने वाला, इसको ना भाई मेरा कैटिलीवा ही मार देगा। चलो भाई देखते हैं कैटिलीवा का खेमते देखते गाइस, और ये देखो मार भी दिया कसम से भाई, कसम से ना भाई मार दिया। अभी इसको इसका ही गेम प्ले देखते हैं भाई, मैंने देखा ही नहीं इसको फाइटिंग करते समय। सुनो भाई इसके पास भाई बढ़िया वाली ईवो MP40 आई थिंक, पता नहीं गाइस ये कौन सी गन है, आई थिंक ईवो MP40 है, ये उन्हीं को पता होगा जो ट्रू लवर से गेम के, मुझे नहीं पता वो गेम के बारे में, मुझे तो पता है, अगर आप जानते हो तो ज़रूर इतना, मेरे पास तो ऑलरेडी है 7 लेवल पे, किस गेम की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता बट मुझे पता है। तो चलो यार अभी ना ये गाइस फटाफट से गाइस हेलीकॉप्टर भाई तुम भी अटैक कर दो यार, तुम लोग किस देर का वेट कर रहे हो, मिसाइल छोड़ ही दो विदाउट कोई टाइम पास के। अभी तो यार पलवर्ड भी मेरा जो कैटी लेवर वो भी डरा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग देख के अटैक नहीं कर रहे बेचारा। तो गाइस गेम खत्म, हमारे पास इतनी खतरनाक चीज़ें होगी ना भाई, एक कमांड दो वहाँ पर भाई मिसाइल से मिसाइल और गेम ओवर। सो यार मज़ा आ चुका है बिल्कुल ही गाइस, एकदम एक ही नंबर भाई, सब मर चुके हैं देख रहे हो साले छपरी लोग, मतलब क्या ही सीन है, जिंदा है क्या भाई, जल के राख हो चुके हैं। चल कैटिलीवा फटाक से मेरे गाड़ी में बैठ जा, चल फटाफट से ना भाई गाड़ी में बैठ जा। और गाइस क्या ही सीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी फटाफट से ना गाइस हमको ले जाना पड़ेगा हमारा सुपर टैंक है ना, उसको ले जाना होगा। और अभी देखते हैं रेड स्केल क्या कहते हैं, वहाँ पे फाइट वगैरह चल रही है कि नहीं गाइस, मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पे ना फाइट वगैरह चल रही है गाइस, क्योंकि उसने भी अटैक कर दिया था डायरेक्ट वहाँ पे ही। अभी मुझे देखता हूँ उसकी जाके हेल्प करना, कर सकता हूँ तो करूँगा, वरना मुझे नहीं पता गाइस आगे क्या सीन होने वाला है।
सो चलो फटाफट से भाई चलते और इसकी पावर देखते हैं भाई, क्या ही पावरफुल है गाइस, कसम से ना भाई मजे आ चुका है इसकी, इतनी पावरफुल देख के ना भाई कोई भी नहीं भी गाइस डर जाएगा। सो कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं और क्या सीधे आगे का देखते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं चलते चलते, और गाइस फटाफट से ना चलते। एक सेकंड, ये सामने कौन है भाई? अरे सामने कौन है भाई, रुक जा भाई, ये ना ये तो रेड स्केल लग रहा है इसमें, इसने मुझे पहचाना नहीं क्या लग रहा है ये ना भाई, इसको क्या पता अंदर कौन है गाइस, ये फट रही है इसकी भाई, देख रहे हो दो दो से जा रहा है। अरे भाई रेड स्केल मैं हूँ भाई, एक सेकंड इसकी ना फट चुकी है, इसको लग रहा है ये अंदर ना कोई और ही है, मुझे उतरना पड़ेगा फिर इसके विश्वास आएगा। भाई देख रहे हो कैसे भाग रहा था भाई, इसको लग रहा है अंदर ना कोई दुश्मन वगैरह होगा, बैग मतलब बालास या वेगास का, भाई हम ही हो यार। चलो ये कह रहा है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, हमने तो सारे वहाँ के ना बालास और गैंग के जो बेस थे ना वहाँ पर अटैक कर दिया, सबको मार दिया गाइस, इसने भी वहाँ पर अटैक कर दिया, और ये कह रहा है कि हमें फटाफट से और भी बहुत कुछ काम करना है, तो मुझे ना टैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे जाने तो फटाफट से टैंक लेके। यार ये क्या बात हुई, मतलब मेहनत मैंने की और ये कह रहा है कि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, इस टैंक की ज़रूरत लगने वाली है, सो मुझे ना टैंक मतलब फाइट करनी है, तो मैं जा रहा हूँ। यार ये तो लोन कर दिया इसने, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपना ही फ्रेंड है, तो बाद में हमें भी हेल्प लगेंगे तो हम भी यूज़ कर लेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग पूरी वीडियो वॉच करना, आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 1000 लाइक ज़रूर करना, और हम लोग ट्राई कर रहे कि बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी लाइन मिले, सो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना, और मैं पूरे कमेंट देखता हूँ तो बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर करना और लाइक ज़रूर करना गाइस, हर एक बंदे को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, 100% शो हो रहे गाइस। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना गाइस, मतलब आगे के तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बढ़िया स्टोरी होने वाली है, तो आए हो पैसे मुझे सपोर्ट करते रहना, तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय।